For a system of particles, center of mass is that point where entire mass of an object is supposed to be concentrated. सारे ऑब्जेक्ट का पूरा मास हम मानते हैं वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो बच्चे सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर बॉडी एंड मूव्स इन द सेम वे एज द पॉइंट मास हैविंग मास इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट when subjected to the same external force, when subjected to the same external source. That acts on a object. ठीक है, आपको बहुत लिखने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट समझना है बेटा, आपको कौन सा पेपर अभी देना, आप ऑब्जेक्टिव पेपर देना, आपको जस्ट आप चीजों को समझिए। सेंटर ऑफ मास दो तरह का होता है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और एक कॉन्टिन्यूस बॉडी। ओके, सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्टिकल सिस्टम वी विल डिस्कस। इन दिस डायग्राम लेट वी हैव अ मास एम वन विद पोजिशन कोऑर्डिनेट आर वन, एक्स वन एंड वाई वन इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, आर वन इसका पोजीशन वेक्टर है जी। ऐसे ही एक मास एम टू है, एक्स टू वाई टू इसके कोऑर्डिनेट हैं, और आर टू क्या है जी, इसका पोजीशन वेक्टर। तो इन दो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस, तो दो मासेस के सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम इसके लिए लिख लेते हैं, आर वन क्या है जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास एम वन, आर टू क्या है जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास एम टू, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, आर सी एम है जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास एम नेट, इसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, टोटल मास ऑफ टू सिस्टम। तो इसका फॉर्मूला आएगा बच्चों, आर सी एम क्या आएगा, इट इज एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू बाई एम वन प्लस एम टू। बेसिकली जो फॉर्मूला है, एम नेट इंटू आर सी एम मस्ट बी इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, तो आर सी एम क्या बन जाएगा, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, नीचे क्या बन जाएगा, एम नेट, और आर सी एम वी कैन राइट एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है बेटा, इसको हम इन टर्म्स ऑफ सिंपल शब्दों में एक्स सी एम में भी लिख सकते हैं, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू, बेसिकली ये सारे वेक्टर हैं बेटा, देखो लगाना चाहिए वेक्टर, पर फास्ट मूविंग में हम लगाते नहीं है, पर ये सारे वेक्टर हैं, एक बात याद रखना, ये सारे क्या हैं बच्चों, ऑल आर पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही हम जेड सेम भी लिख सकते हैं, जेड सेम भी लिख सकते हैं, क्या बताओ, एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू by M1 plus M2, clear? चले आगे, center of mass of two particle system always lie on the line joining of the two particles, हमेशा दोनों के center पे जो line हम join करेंगे उस पे lie करेगा। सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हैवियर मास, ये हैवियर मास के पास में है जी, केस वन, कंसिडर ओरिजन ऑन सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास है, उसका आंसर
आप ओरिजिन कहाँ मानते हो इस बात पे डिपेंड करता है। ओरिजिन बदल दोगे आंसर बदल जाएगा, पर जब आप उसको प्लॉट करोगे तो आंसर एग्जैक्टली वही आएगा बेटा, सेम आएगा। जैसे दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, है ना, एक पार्टिकल जिसका मास m1, दूसरा पार्टिकल मास m2। ये क्या है, ओरिजन। पहले का कोऑर्डिनेट r2, दूसरे का कोऑर्डिनेट r1। तो ये हमारा ओरिजन है, तो हम वैल्यू भरेंगे बेटा। कैसे भरेंगे, आर से एम क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमने आर सी एम क्या माना है, ओरिजिन पे आर सी एम माना है, तो आर सी एम क्या हो गया, 0। ओरिजिन एट सेंटर ऑफ मास, आंसर क्या आ जाएगा बेटा। अब नोट करने वाली बात है, नोट क्या करना है, ये माइनस साइन मैंने क्यों लगा दिया है। देखो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे क्या माना है प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या माना जाएगा, क्लियर। आंसर क्या आएगा जी, हमेशा m1 r1 मस्ट बी इक्वल टू m2 r2। अगर ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे है तो m1 r1 मस्ट बी इक्वल टू m2 r2। क्या तुम्हें इतना समझ में आया, ठीक है। कंसेप्ट आप जरूर लिखते जाएं, क्योंकि कंसेप्ट जरूरी है बेटे, रिवाइज नहीं करोगे तो बात ही नहीं बनेगी। तो m1 by m2 मस्ट बी इक्वल टू r2 by r1। बड़ी फास्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे चल रहे हैं जी, अगर सेंटर ऑफ मास लाई करे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेंटर ऑफ मास कहां पर है जी, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, ठीक है। अब 2 मीटर लेफ्ट हैंड साइड पे एक मास पड़ा है m1, और 3 मीटर राइट साइड पे एक मास पड़ा है m2। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है निकालना क्या है हमें, r1 क्या बन जाएगा आपका, -2i बन गया, ठीक है, और r2 क्या बन जाएगा, +3i। तो इसमें जो कंसेप्ट बनेगा हमारा, एक रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है हमने, m1 by m2 का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन क्या आएगा यहां पर, फाइंड रेशियो ऑफ m1 by m2, ये हमसे पूछ लिया। बहुत ही सिंपल है जी, अभी क्या आपको बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कैसे करना है पहले बताओ। डायरेक्ट में क्या था बताइए, m1 r1 मस्ट बी इक्वल टू m2 r2। इसमें साइन कन्वेंशन नहीं लेना, फिर देखो बहुत सारी बातें हैं, गड़बड़ मत कर देना यार। तुम साइन कन्वेंशन भी ले लो, फॉर्मूला भी लगा दो, तो आंसर गलत हो जाएंगे, और नहीं तो आप पूरा डिटेल में चलो। आर सी एम क्या है, 0। m1 कितना है, m1 -2i कैप, कोई 1 मिनट लगेगा, प्लस m2 इंटू 3i कैप अपॉन m1 plus m2। तो इसको इधर ले आओ, m1 2i कैप इक्वल्स टू m2 3i कैप। देखो डायरेक्शंस कैंसिल आउट होंगी, सेम डायरेक्शन है, रेशियो है, रेशियो में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, पता ना आपको, रेशियो में वेक्टर्स वैलिड नहीं होते हैं। क्या आ गया जी, m1 by m2 क्या बताया, 3 by 2। रेशियो में साइन
नहीं लेते हैं हम। ठीक है जी, डन। आ गए बच्चों, कंसीडर ओरिजिन ऑन मास M1। अब ओरिजिन हम कहाँ ले आए, मास M1 पे, ठीक है। और यानी कि R1 क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। M2 का कोऑर्डिनेट क्या है जी, R2 है। RCM मुझे निकालना है, करो सॉल्व जल्दी से। क्या करेंगे आप सॉल्व, देखिए आंसर M1R1 + M2R2 अपॉन M1 + M2। RCM क्या कर दिया, निकालना है। R1 0 कर दिया, अब क्या आ गया M2R2 / M1 + M2। ओके आगे चले, जो नेक्स्ट कंसेप्ट बनेगा, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम मास M1 मास M2। M1 से लोकेशन निकालनी है और M2 से लोकेशन, पहले M1 से निकालो। ओरिजिन कहाँ मानना है पहले आप ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन यहां मान लोगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा है। तो क्या लग गया, M2R2 / M1 + M2। कभी करवाया था केस आपको, तो RCM क्या आ गया बेटा, RCM आ गया M2R2 / M1 + M2। M2 कितना है, 3। M2 की वैल्यू दी, M2 M2 रहेगा बेटा, है ना, M2 M2 रहेगा M2। R2 क्या है जी, N200 अपॉन M2 दिया है 3 kg हमें। M2 के बराबर 3 kg, रुकिए सॉरी N200 अपॉन 7 क्या आ गया जी, 75 आया। नीचे सेवन, नीचे सेवन के 3 + 1 3 + 1 4 आएगा, तो 300/4 आंसर इज 75 cm। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास का ये डिस्टेंस कितना आया है, 75 cm, ये कितना होगा 25 cm। अब सुनो, आप M2 से पूछ रहे हो, तो M2 रेफरेंस पॉइंट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है M2 की, तो आंसर क्या आएगा, समझ में आया। जहां से पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है बेटी, ठीक है। समझ में आया जी कैसे क्वेश्चन लगाने हैं, आगे चले। अब फाइंड कोऑर्डिनेट और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या बेटी बताइए, मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, 2 किलो का मास है, कोऑर्डिनेट 1 2 है, 3 किलो का मास है, कोऑर्डिनेट 4 3 है, 5 kg का मास है, कोऑर्डिनेट 6 1 है। व्हाट डू यू हैव टू कैलकुलेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास। आप कर पाएंगे ना, ये R1 क्या बनाएंगे बताओ, R1 क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो आप i + 2j, सीधा ही कर लो R की टर्म में, एक लाइन में निकल जाएगा।
अकेला M1 X1 से निकालना वो भी निकल जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं बेटा, पर टाइम बचाने के लिए तो R1 इकट्ठा लोगे तो जल्दी होगा सॉल्व। M1 कितना है, RCM निकालना मुझे, 2 into I plus 2J प्लस आप देखिए 3 into 4I plus 3J प्लस, हाँ जी, 5 into 6I plus J, ओके, अपॉन 2 plus 3 plus 5, क्या आंसर आया जी, 2I plus 12I। देखो ऐसे फास्ट क्या करो, देखो 2I plus 12I 14I plus 30I 44I plus 2 2 जा 4J 3 3 जा 9 4 plus 9 13 plus 5 18J अपॉन 10। आप लोग क्या कर रहे थे भाई, ऐसा नहीं भाई, कितने भी मास हो सकते हैं, वो डेफिनेशन एन तक जाती है, M3 R3 प्लस M4 R4, इट विल गो अप टू इन्फिनिटी तक आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी आगे नेक्स्ट है बच्चों, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस ट्रायंगलिज्म, ट्रायंगल का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये कोऑर्डिनेट क्या है जी, मान लो ये कोऑर्डिनेट 0 0, ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 0, नहीं सही, हाँ ये वाई है ये एक्स है, तो मैथ वाले बच्चे हो। ये साइड कितनी दूर है, 2 मीटर है। अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो ये कितना है, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ये क्या होगा, 1 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये हाइट निकालनी है, ये कितना है, 60, व्हाट इज 10 60, मान लो ए बी और सी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस कितना है, बी सी, व्हाट इज ए बी, ए बी कितना है, 2, नहीं ए बी हमें निकालना है ना, ए बी हमें निकालना है, बी सी व्हाट इज बी सी, 1, तो √3 इक्वल्स टू AB, क्वाड्रेंट इसके क्या आ गई, 1 √3। वह इतनी गेम थी। अब क्या है देखो, ये तो 0 0 है, खत्म, सब कुछ खत्म, 0 प्लस 2 into 2I, 0 को लिखने की जरूरत तो नहीं होती है बेटे, प्लस 3 into I plus √3J कैप अपॉन जोड़ लगाओ, 1 3 3 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या आंसर आया जी, 4I कैप प्लस 3I कैप प्लस 3 √3J कैप अपॉन बोलिए 6 7I कैप बाय 6 प्लस 3 √3 बाय 6J कैप। भाई आप किसी को भी ओरिजिन मान सकते हो, आप एक मास को तो आपको ओरिजिन मानना ही पड़ेगा, वहीं से तो लोकेशंस आएंगी। बोलिए
डन भाई, आपको समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलिए नेक्स्ट। दिख रहे थे क्या? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पार्टिकल वन इफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल इज एल। ये कंसेप्ट है बेटा, अगर दोनों पार्टिकल में एल डिस्टेंस है और सेंटर ऑफ मास और पहले पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो ये मैं शॉर्टकट से कैसे निकाल सकता हूं? बिल्कुल आसान है। क्या मानेंगे बताइए, बताओ क्या मानोगे यार? अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, बोलो, मान सकता हूं ना, तो इसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, आर से मुझे निकालना है, और ये एल है, तो देखिए आरसीएम क्या आया, एम वन इंटू जीरो प्लस एम टू इंटू एल आई कैप अपॉन कितना है जी, एम वन प्लस एम टू, व्हाट इज आरसीएम, कॉर्डिनेट आ गया एम टू एल आई कैप अपॉन एम वन प्लस एम टू आई कैप, तो जस्ट एक डायरेक्शन है और कुछ नहीं है। डन, आसानी से आप एम टू एल अपॉन एम वन प्लस एम टू फ्रॉम एम वन, ठीक है, ये कैसे निकल जाएगा, इसको निकाल लीजिए, ये क्या आएगा, एल माइनस आर सी एम कर लीजिए, तो एम टू से क्या आएगा, एम वन एल बाई एम वन प्लस एम टू, दिस इज अ कंसेप्ट, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होने वाला पॉइंट। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंपोजिट बॉडीज, नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट। कंपोजिट मतलब एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी से टच कर रही हो तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो तो जितनी भी बॉडीज हैं, आप बात समझिएगा, अगर सिमेट्रिकल बॉडीज हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। जैसे आप ये स्क्वायर देख रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। आगे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जो उसकी रिंग पे होगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये स्क्वेयर है तो दूरी कितनी आ जाएगी, मान लो ये वाली और ये वाली, ये आर आया, ये पूरा टोटल आर है, ये कितना बन जाएगा, आर ये बन जाएगा, आर ये बन जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या आ गए इसके, आर आर। अब देखो ये दूरी 2R है और ये कितनी है बेटा, R है, कुल 2R है ना, ये भी डायमीटर क्या आ गया, सी आर, और वर्टिकल हाइट क्या है, R। आंसर क्या आएगा बताइए, आर सी एम क्या आया, एम आर आई आर जे प्लस एम थ्री आर आई प्लस आर जे बाई क्या है जी, बोलिए क्या है जी, एम प्लस एम, तो क्या आंसर आया, थ्री आर और आर, फोर आर एम इंटू फोर आर आई कैप प्लस टू एम आर जे कैप, देखो एम इंटू आर, एम इंटू आर, टू एम आर कर दिया बाय
टू एम, तो टू एम स्क्वायर डिवाइड करो, टू एम आई कैप, फिर एम स्टैम्प कट जाएगा भाई। सही करो, क्या आएगा बताइए। ये आ गया जी, एम सेम कट गया, टू टू जा फोर, टू आर आई कैप, टू आर नहीं आर जी कैप, टू एम से टू एम कट गया यार, यहां से ही कट गया और यहां से ही कट गया टू एम। ठीक है, टू आर आई कैप प्लस आर जे कैप, क्लियर? समझ में आया जी कैसे क्वेश्चन लगाने हैं जी? ये एक कोन है जी, कोन है ये, और उसके ऊपर एक स्फीयर पड़ा हुआ है। बच्चे ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारे 0 0 यहाँ पर। अब कोन का जो सेंटर ऑफ मास है सॉलिड कोन का, वो h/4 होता है। मैं याद करना है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास, बेटे कभी भी दो बॉडीज का जब हम टच लेते हैं तो हर एक बॉडी का पहले सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए। तो कोन का सेंटर ऑफ मास h/4 पर होता है, आप ये याद कर लें। एच क्या है? एच है टोटल हाइट, क्लियर? तो अगर एच टोटल हाइट है, अगर एच टोटल हाइट है तो बच्चों आप देखिए, ये स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। ये डायमीटर क्या दिया आपको? 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? एक्स तो 0 है, वाई कितना आया इसका? 10 आया बेटा। और इसका वाई कितना आएगा? ये देखो 10 यहां कर दिया, ये 30 हो जा, 30 और प्लस 10। अरे ओरिजिन से देखो यार, यहां से देखो, यहां से कितना है? 40, और ये कितना है? 10। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गए? 50। समझ में दिमाग लगाना जी पूरा आपका। आपने ओरिजिन किसको माना है? दिस पॉइंट इज ओरिजिन। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आया जी? एक्स, तो इसमें एक्स चेंज नहीं हो रहा, पूरा आप वर्टिकल लाइन पे मूव कर रहे हो। कितना आया जी? 0 और 10। कोन का कहाँ होता है फिर से बताओ? h/4। ओके, तो अगर हम इस बात को समझें, वाई सी एम लगा दिया मैंने सिंपली, m1 y1 प्लस m2 y2 / m1 प्लस m2 m into, पहले कोऑर्डिनेट कितना है? 10। आगे वाला कितना है? 2m मास है, 50/3m, 110/3 जेके। अच्छा कंसेप्ट, डिवाइड करोगे 36.6।